राजा और विद्वान सभासदों का कर्तव्य कर्म इस मंत्र में उपदेश किया है। उपयामा गृहीतो सीत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि यज्ञो देवता निचरतार्षि जगती छंदः निषादः स्वरः। ओम उपयामा गृहीतो अस्य अग्रयणो असि स्वाग्रायणः पाहि यजपतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पायभि सवनानि पाहि। राजा और विद्वान मनुष्यों को योग्य है कि वे निरंतर राज्य की उन्नति के लिए तत्पर रहें, क्योंकि राज्य की उन्नति के बिना विद्वान लोग सावधानी से धर्म और विद्या का प्रचार और उपदेश नहीं कर सकते। इसलिए विद्वानों के संग और उपदेश के बिना कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं होता है। राजा और प्रजा और उत्तम विद्वानों की परस्पर प्रीति के बिना राज्य के ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती, और ऐश्वर्य और उन्नति के बिना राज्य में आनंद भी निरंतर नहीं हो सकता। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि विद्वानों की रक्षा करे। उत्तम राज्य वही है जिसमें विद्वान आश्रय करते हैं, और विद्वानों को पालने वाला राजा परम कीर्ति को प्राप्त होता है। अब राजा का कर्म अगले मंत्र में उपदेश किया है।